प्रणाम करती है उनके आदर्शों पर देश चलता है। लेकिन राजस्थान का गांधी अशोक गहलोत को कहा जाता है, जो कि बापू के पद चिन्हों पर उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए निरंतर नित नए आयाम भी स्थापित करते हैं और साथ ही साथ उनके आदर्शों पर लगातार चलने के साथ जनता से जिस तरह से संवाद वो करते हैं, राजस्थान उन्हें देश प्रदेश का गांधी कहता है। एक तरफ राष्ट्रपिता तो दूसरी तरफ प्रदेश के गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे हैं, सचिवालय में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित किए हैं और अब क्योंकि यहां पर एक विशेष कार्यक्रम भी है, बापू की अति प्रिय धुन रामधुन, उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ में आप देख रहे हैं मंत्री महेश जोशी, डॉक्टर बीडी कल्ला और तमाम अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले हम जिक्र ही कर रहे थे कि जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं सभी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, उपस्थिति सभी की रहेगी। प्रताप सिंह खाचरेवास को आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले तैयारियां किस तरह से की गई थी। अच्छा, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे थोड़ी देर पहले स्पीकर ओम बिरला ने बापू को नमन किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी, पुष्प अर्पित किए थे और देखिए बापू को नमन कर रहे हैं। और ये देश बापू के आदर्शों पर चलता है और जिस तरीके से आज देश पूरी दुनिया में देश का जो डंका बज रहा है वो बापू के आदर्शों के आधार पर भी नजर आ रहा है। क्योंकि अगर युद्ध की बात कर ली जाए, रूस यूक्रेन युद्ध जिसका पूरे विश्व में असर देखने को मिला, लेकिन भारत ने कहा कि हम बापू के अनुयायी हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं, इसलिए हम किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात में बात बनने की बात कहते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए राजघाट, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सचिवालय की, ये तस्वीर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर में क्योंकि रामधुन कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो जाएगा उसमें मुख्यमंत्री शामिल होने, हालांकि रामधुन जो कि बापू को अति प्रिय, हे राम जो जहां भी गूंजती है वहीं पर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दो तस्वीरें आज की बेहद अहम, राजघाट की तस्वीर और सचिवालय की तस्वीर, दो दिग्गज बापू को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास उनके साथ में बैठे हैं, डॉक्टर बीडी कला भी, महेश जोशी भी। राजघाट से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए बापू की अति प्रिय धुन जो रामधुन जो हर बार सुनाई देती है बापू की जयंती पर, प्रधानमंत्री ने बापू को नमन कर लिया है, श्रद्धांजलि अर्पित कर ली है और अब रामधुन को सभी सुन रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, बापू की या तो आदमकद या फिर उनकी मूर्ति आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, जो इस बात का प्रतीक है कि इस देश में जिस तरीके से बापू के आदर्शों को अपनाया गया है, बापू के पदचिन्हों पर चला जा रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनका योगदान पल पल स्मरण रहे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, जो हर पल हर क्षण हर दिन सभी को प्रेरित करती है। चलिए सुनते हैं बापू की प्रिय धुन रामधुन।
Thank you.
देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तस्वीर राजघाट की है, बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, और दूसरी तस्वीर विजय घाट की है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी जयंती है, उनको नमन किया जा रहा है। दो तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की, विजय घाट और राजघाट की तस्वीर। सरल स्वभाव के लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी सरलता और शालीनता ही उनकी पहचान थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राजघाट और विजय घाट, वहां की तस्वीरें आपने देखी, और साथ ही साथ सचिवालय की तस्वीर भी आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। रामधुन का कार्यक्रम जिसमें शामिल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे।